वेब्यू, आज का क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी के 6 मंथ में एक लेडीज के बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ सकता है, और तुम्हारे साथ क्या क्या चेंजेस हुआ था, तुम्हारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आया था, क्या कुछ फेस करना पड़ा था। हे गाइस, वेल्कम टू आवर न्यू ब्लॉग। क्या हालचाल, कैसे आप लोग? तो दोस्तों, अभी हम लोग का मॉर्निंग का शुरुआत हो चुका है, इस ब्लॉग का भी शुरुआत हो चुका है। और आज हुआ है क्या कि पार्थ और रिद्धि के नाना आए हुए हैं, और जब से नाना आए हुए हैं ये लड़का जो है गोद से नहीं उतर रहा है। पार्थ कौन है? कौन है? तो जब से आए हुए नाना इसके एकदम गोद में चढ़ा हुआ और उतर भी नहीं रहा लड़का ही। उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, आओ आओ। रिद्धि चलो, गुड मॉर्निंग बोलो रिद्धि सबको। राधे राधे रिद्धि। अरे क्या कर रही है पार्थ? राधे राधे करो, राधे राधे करो। बाय बाय बाय। रिद्धि ना, नहीं ना 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 ना। तो यहाँ पे पार्थ और रिद्धि का पार्सल आया है फ्लिपकार्ट से। क्या आया रिद्धि, दिखाओ। और दोनों टूट पड़ा है। रिद्धि क्या है इसमें, क्या है इसमें? तो देखते हैं क्या आया है पार्सल में। तो पार्थ और रिद्धि के लिए जो इनर आया है ऐसा कुछ दिखता है, और कपड़ा काफी अच्छा है इसका, कॉटन है, प्योर कॉटन में है। पार्थ में तो परफेक्ट हो रहा है, रिद्धि में हल्का सा बड़ा हो रहा है। रिद्धि और पार्थ का पहन लिया, रिद्धि और रिद्धि का पहन लिया है पार्थ। साइज दोनों का सेम है, बट ये ब्लैक वाला पहनेगा पार्थ और वो ब्राउन वाला या जो भी कलर है वो पहनेगी रिद्धि, है ना रिद्धि? आज का क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी के 6 मंथ में एक लेडीज के बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ सकता है, और तुम्हारे साथ क्या क्या चेंजेस हुआ था, तुम्हारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आया था, क्या कुछ फेस मेरे करना साथ पड़ा था। 6 मंथ स्टार्ट होते होते पैर में स्वेलिंग होने लगी थी और बेबी बम्प पे इचिंग काफी बढ़ गया था, क्योंकि ये मई जून का समय था, अच्छा, गर्मी का टाइम था गर्मी थोड़ा। के समय, गर्मी के समय की वजह से और हो गया था। उसके बाद उठने का मन ही नहीं होता था, लेजी लेजीनेस लेजीनेस काफी बढ़ रहता गया था, और घर वाले बता रहे थे मेरा माइंड भी डिस्टर्ब टाइप का होने लगा था। नहीं, वो तो हमको पता है, कभी कभी सामान रख के भूल जाती थी। हाँ, ये चीज कॉमन देखा गया है लेडीज में, 6 मंथ स्टार्ट होते ही ये सब कॉमन होने लगती है। सामान रख के पूछते थे ये सामान कहाँ है, तो बोलती थी हम नहीं रखे हैं। हाँ, तो ये चीज नॉर्मल सी चीज होती है उस समय पे। और उसके बाद नहीं, तुम्हें मम्मी का आत्मा आ गया था। आगे 6 मंथ कंप्लीट, 6 मंथ में फॉल्स पेन की समस्या होने लगती है। तुमको हुआ था? हाँ, फॉल्स पेन जैसे लगता था, कुछ हलचल सा हो रहा लेकिन आदमी समझ नहीं पाता। मतलब जो लेबर पेन जैसा होता है या उससे कम होता है? नहीं, उससे थोड़ी सी उसकी डेंसिटी कम होती है, लेकिन वो दिन भर में 4 बार 5 बार आएगा, जैसे लेबर पेन में होता है। शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ हाँ मिनट के लिए। हाँ कभी पता चला, कभी नहीं भी चलेगा, इस तरह का होगा। उसके बाद बैक एक काफी बढ़ गया था उस समय पे, अच्छा। कमर में दर्द ये सब होने लगा था। सो गाइस, टाइम हो चुका है 11:15, और अभी मेरा शिफ्ट कंप्लीट भी हो गया है। शिफ्ट कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपना डिनर विनर कर चुके हैं, और बच्चे सो गए हैं, पार्थ रिद्धि सो गए हैं, पार्थ रिद्धि के नाना भी सो गए हैं, और अभी मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए। सुबह उठ के जल्दी से वीडियो एडिट करके शेड्यूल पर भी करना है, तो होपफुली आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। कल वाला टॉपिक भी ऐसे इंटरेस्टिंग रहेगा। तो जो भी लोग नए हैं चैनल पर, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए,
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।